नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। आज हम अकेडमी के इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ जो रिसेंट में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, यानी कि नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच, इस चीज से रिलेटेड आज आपको लीगल एस्पेक्ट क्लियर करने वाले हैं। यानी कि जो यहां पर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इसके अंदर जो ईडी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जो उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो आखिरकार ईडी है क्या। उसके बाद यहां पर जो चंद्रशेखर का नाम जोड़ा जा रहा है, शिकेश चंद्रशेखर, तो उसका क्या रोल है। आपको पूरी स्टोरी यहां पर कवर करके दी जाएगी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ जो नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच यहां पर सू फाइल किया है डिफोमेशन, यानी कि मानहानि का, उसके पीछे कारण क्या है, क्या वो चीज कोर्ट में एक्सेप्ट की जाएगी, ये सारी चीज मैं यहां पर आज आपको अन अकेडमी के इस सेशन के अंदर डीपली कवर करके देने वाला हूं कि आखिरकार लीगल एस्पेक्ट क्या है, जो यहां पर चीटिंग, इसके अलावा यहां पर डिफोर्मेशन, इसके अलावा जो भी रेलिवेंट केस यहां पर फाइल किए गए हैं, तो हमारे इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता के हिसाब से उसका क्या प्रावधान है, वो प्रोविजंस क्या कहते हैं, ये सारी चीज हम अपने आज के इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर मैं अपने यहां पर एक टेक्निकल चेंज ला रहा हूं। हम जो यहां पर आपको लॉ से रिलेटेड सेशन देते थे अन अकेडमी पर, उसे यहां पर हम करंट सिनेरियो से कवर करने वाले हैं। यानी कि जो यहां पर आजकल करंट टॉपिक्स आ रहे हैं, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो यहां पर बिग इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो हम आपको लीगल एस्पेक्ट के साथ कवर करके देने वाले हैं। इसीलिए आज यहां पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट हम यहां पर कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगता है एक्सपेरिमेंट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर क्या आप आने वाले समय में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहेंगे, या फिर आप यहां पर लॉ से रिलेटेड ही वीडियोस देखना चाहेंगे, जो लॉ के प्रोविजंस बताते हैं, हमारी डे टू डे रिलेटेड समस्याएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट होती हैं, कोई लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं, इसी चीज से रिलेटेड आप यहां पर वीडियो देखना चाहेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लियर कर देते हैं। अब हम यहां पर 2 मिनट वेट करते हैं ताकि लोग यहां पर इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और इसके बाद हम अपना आज का ये डिस्कशन शुरू कर सकें। राजू जी, हेलो, जय हिंद। अब यहां पर दोस्तों, आप सभी लोगों ने सुना होगा आजकल काफी ज्यादा न्यूज कवरेज मिल रही है नोरा फतेही एंड जैकलिन फर्नांडिस, ये दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिनका यहां पर एक श्रीलंका ओरिजिन से है और सेकंड कैनेडियन ओरिजिन से है। बट आजकल बॉलीवुड में ये एक्ट्रेस काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, और रिसेंटली जो यहां पर बीच में आपको पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है चंद्रशेखर की, इन दोनों की, इसकी वजह से यहां पर ये दोनों एक्ट्रेस भी काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं। तो आखिरकार इनका हाईलाइट होने का रीजन क्या है, इन दोनों एक्ट्रेस का इस व्यक्ति के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी चीज आज के इस सेशन में मैं आपको कवर करके देने वाला हूं। इसके अलावा ईडी जो है यहां पर, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये यहां पर किस तरीके से एक्टिवली काम कर रही है, उन्होंने चार्जशीट में क्या फाइल किया, और नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस का यहां पर क्या रोल रहा है इस व्यक्ति के साथ, ये भी चीज यहां पर मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अब यहां पर हम 1 से 2 मिनट वेट करते हैं ताकि यहां पर जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो यहां पर ज्वाइन हो जाए, उसके बाद हम अपना आज का सेशन शुरू कर सकें। अगर किसी व्यक्ति का कोई हमारे लास्ट सेशन से रिलेटेड टॉपिक है, कोई और टॉपिक है जो वो यहां पर कवर कराना चाहते हैं, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके 2 मिनट बाद यहां पर आपके कमेंट्स तो पिक करेंगे, बट आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट आवर दिस सेशन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अभी किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, तो मुझे लगता है हमें अपना आज का सेशन शुरू करना चाहिए, जो यहां पर
हम करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, किसके ऊपर, जो बीच में आपको पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है चंद्रशेखर, इनके ऊपर यहां पर किस तरीके से इनको ठगी के हिसाब से 200 करोड़ की जो इन्होंने एक्सटोर्शन किया था उसके बिहाफ से इनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है, और बाद में इन दोनों एक्ट्रेस का वहां पर क्या कनेक्शन निकला है, ये भी चीज हम अपने आज के इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात आती है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अब ये वर्ड आप आजकल काफी ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे, मुंबई से रिलेटेड कोई केस आ रहा है, दिल्ली से रिलेटेड कोई केस आ रहा है, तो वहां पर ईडी नाम बहुत आता है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहां पर ईडी क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज आप लोगों के साथ क्लियर कर ले। देखिए, ईडी एक प्रकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है दोस्तों, जो यहां पर इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक क्राइम जैसे कि एक्सटोर्शन, कोई यहां पर करप्शन, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड यहां पर क्राइम होते हैं वो ईडी यहां पर मैनेज कर सकती है। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, ईडी इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो मैंने आपको बताया कि ईडी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, और यहां पर उनका क्या काम होता है कि वो इकोनॉमिक लॉ, जो यहां पर इकोनॉमी से जुड़े कानून है और यहां पर इकोनॉमिक क्राइम है, उनके अगेंस्ट में यहां पर एक्ट करती है, इकोनॉमिक क्राइम के अगेंस्ट में यहां पर फाइट करती है। यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट मानी गई है। यहां पर आपको इंडियन रिवेन्यू सर्विस, आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि आईएएस, इन तीनों के ऑफिसर आपको इस कैडर के अंदर यानी कि इस डिपार्टमेंट ईडी के अंदर दिखाई दे जाएंगे। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज के मैटर को समझने के लिए यहां पर इनफ थी। आज आप ये चीज फिर क्लियर कर पाएंगे कि जो यहां पर ये जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बीच का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जहां पर नोरा फतेही ने जैकलिन के ऊपर एक डिफोमेशन केस यानी कि मानहानि का केस फाइल किया है, इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है, आखिरकार इन दोनों पर्सनैलिटी का ये जो बीच में शख्सियत दिखाई गई है इसके साथ क्या लेना देना था, और यहां पर किस वजह से यहां पर नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर केस फाइल किया। इसके अलावा क्या जैकलिन फर्नांडिस ने यहां पर कोई रिप्लाई दिया है, क्योंकि हमें पता लगा है कि उनके एडवोकेट की तरफ से यहां पर एक रिप्लाई आया है। ये सारी चीज हम अपने आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग इसे बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं, उसे लाइव ना देख रहे हैं, तो आप इसे अपनी स्पीड बूस्ट करके 1.5-2x करके इस सेशन को देख सकते हैं। अब देखिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ईडी आप लोगों को क्लियर हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए अब जिस शख्सियत को आप यहां पर देख रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले इनकी जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी कुछ पिक्स वायरल हुई थी, जहां पर इन दोनों को साथ में देखा गया था। इनका नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर कह रहा था। सुकेश चंद्रशेखर नामक ये व्यक्ति यहां पर एक्यूज पाया गया, एक्यूज मतलब दोषी पाया गया है यहां पर, इसको यहां पर अरेस्ट किया गया ईडी द्वारा, किसके अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में यहां पर ये चीज पूछी जाती है। साजिद जी गुड इवनिंग। इनको यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर यहां पर अरेस्ट किया गया, जहां पर इन्हें एक्यूज पाया गया 200 करोड़ के लिए, यानी कि इन्होंने 200 करोड़ एक्सटोर्शन के तहत यहां पर लिए थे। किससे लिए थे, वाइफ ऑफ रैनबैक्सी ओनर शिविंदर सिंह, यानी कि जो यहां पर शिविंदर सिंह थे उनकी जो फॉर्मर वाइफ थी अदिति सिंह, उनके द्वारा यहां पर इन्होंने 200 करोड़ की ठगी की है। किसने करी है, सुकेश चंद्रशेखर ने, जिसके तहत यहां पर इनको तिहाड़ जेल में कैद भी रखा गया था, और ईडी यहां पर इनकी ट्रायल प्रोसेस के तहत केस भी फाइल कर दिया था ईडी ने। ईडी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्लियर हुआ, ये जो व्यक्ति है सुकेश चंद्रशेखर, इसके ऊपर 200 करोड़ का एक्सटोर्शन का केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, किसके तहत, जो यहां पर शिविंदर सिंह थे फॉर्मर रैनबैक्सी के ओनर, उसकी वाइफ अदिति सिंह के द्वारा यहां पर उन्होंने 200 करोड़ की एक्सटोर्शन मनी की डिमांड की है, ठगी की है। अब देखिए इस व्यक्ति की थोड़ा सा इतिहास आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अब आप लोगों के मन में सवाल आए, क्योंकि इसने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी क्लियर किया था कि आने वाले इलेक्शन में ये अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर लाने वाले थे, जिस वजह से पॉलिटिकल इशू की वजह से इनको यहां पर इस तरीके से झूठा फंसाया गया है। बट जब यहां पर इससे रिलेटेड हमने डीप रिसर्च की तो हमें इनके बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन देखने को मिली। देखिए यहां पर अपनी 17 साल की एज से, ये वो एज मानी जाती है जब एक व्यक्ति मेजर एज अटेंड नहीं करता, यानी कि उसको नाबालिग माना जाता है कानून की उम्र में, तभी से उसने चीटिंग फोर्जरी इस तरीके का काम करना शुरू कर दिया था। वो खुद को एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के तहत कॉल पर बात करता था और लोगों के साथ ठगी करता था। चीटिंग
415 इंडियन पीनल कोड, 415 इंडियन पीनल कोड, जिसकी पनिशमेंट आगे 420 में और इससे अलग प्रोविजंस में दी गई है। प्रशांत जी गुड इवनिंग आपको भी। अब देखिए यहां पर इन्होंने 17 साल की एज से ही चीटिंग करना यानी कि लोगों को चीट करना धोखा देना शुरू कर दिया था। इवन दैट जब उनकी एज 18 वर्ष की हुई तो यहां पर यह पाया कि उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को यहां पर अपने धोखाधड़ी का शिकार बना दिया था। वो खुद को यहां पर यह कहते थे कि वो एक हायर रैंक ब्यूरोक्रेट है और इसके तहत वो यहां पर किसी व्यक्ति का कोई काम होता था तो वो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू पूरा करवा देंगे। इस तरीके की वो यहां पर ठगी करते थे, खुद को एक हायर रैंक ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट बताते थे और ये कहते थे कि यहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि जिनका काम होता है किसी बिल्डिंग को पास करना, कंस्ट्रक्शन कराना, उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और यहां पर ये चीज कहकर लोगों से पैसों की ठगी कर लेते थे। कब? 18 साल की उम्र से। और क्राइम कब से शुरू कर दिया था? जब वो माइनर थे 17 साल की उम्र में। अब देखिए ये इनका सिर्फ यहीं पर शिकंजा नहीं फंसा, इसके बाद उनको साल 2007 में फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया। अब देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट होने के बाद हो सकता है वो सुधर जाए, सेम कंडीशन में यहां पर इनके लिए भी यही सोचा गया था। बट यहां एक मिनट साजिद जी, बट अरेस्ट करने के बाद भी उनको वहां पर सुधार नहीं आया। उन्होंने जो एक्सटोर्शन बिजनेस था यानी कि लोगों से पैसों की ठगी करना, वो यहां पर उन्होंने रोका नहीं, उसके बावजूद यहां पर उन्होंने इसे चालू रखा। और यहां पर जो 200 करोड़ की ठगी का यहां पर मामला आया है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसका मास्टरमाइंड भी चंद्रशेखर को ही बताया जा रहा है। यहां पर मैंने आपको बताया था 17 साल की उम्र में उन्होंने यहां पर अपना क्राइम स्टार्ट कर दिया था, लोगों को चीट वगैरह क्लियर कर दिया था। तो इनके अलावा भी यहां पर इनके ऊपर मल्टीपल एफआईआर दर्ज है, यानी कि जो 200 करोड़ का एक्सटोर्शन केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसके अलावा भी इनके ऊपर अनेकों एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। अब दोस्तों यहां पर दिल्ली पुलिस ने यहां पर इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो मैं अगर आपको क्लियर करूंगा, 120A इंडियन पीनल कोड, चीटिंग 415 और एक्सटोर्शन आईपीसी, इन तीनों के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट कर लिया। अब यहां पर जो 200 करोड़ की ठगी हुई है उसके अंदर मेन यहां पर चार्ज क्या थे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश रखना, चीट करना और एक्सटोर्शन, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया, किसी से पैसों की डिमांड करना। अब यहां पर जो दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंसल विंग है उनके द्वारा ये एफआईआर रजिस्टर की गई चंद्रशेखर और उनके कुछ साथियों के द्वारा। यहां पर जो स्पाउस थी, जो मैंने आपको क्लियर किया, आदित्य सिंह जो यहां पर थी, उनके द्वारा यहां पर ये उनकी तरफ से ठगी करवाई गई थी, यानी कि चंद्रशेखर ने उन जो रैन डैक्सी के फॉर्मर ओनर थे उनकी जो वाइफ थी उनके तहत यहां पर 200 करोड़ की ठगी की थी। ये एक इनकी बेसिक केस हिस्ट्री थी जो यहां पर आगे जाकर दो बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपने साथ ज्वाइन करने वाली है। अब सबसे पहले मैं एक बार कमेंट पिक कर लेता हूं। साजिद जी का कमेंट आया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किराएदार जीत गया है, अब उन्हें रिवीजन करा है, रिवीजन में जीतने के बाद किराएदार हाई कोर्ट जाएगा, उसमें क्या करूं? देखिए सर, हाई कोर्ट वो बिल्कुल जा सकता है साजिद जी, ये उनका राइट है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कुछ आपको टेक्निक्स ऐसी होती हैं, अगर मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे कि आप लोगों को गलत गाइड करता है। तो कुछ चीज हम यहां पर आपको पर्सनली, या तो आप पर्सनल मीटिंग करें अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप बाहर से हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप कॉल पे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको आपका केस समझ के आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए अब हम अपने प्रेजेंट केस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर सबसे पहले ये चीज आप लोगों को जाननी जरूरी है कि 120 से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, 415 चीटिंग जिसके बारे में बात की मैंने वो क्या होता है, और 383 एक्सटोर्शन किसे कहा गया है। देखिए क्रिमिनल कोर्सी, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब होती है जब वहां पर दो या उससे अधिक होते हैं, यानी कि एक अकेला व्यक्ति कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। वैसे तो अगर मैं आपको जब स्पेशल क्लासेस दूंगा लॉ से रिलेटेड, वहां पर मैं ये डीपली चीज आपको क्लियर करूंगा कि एक सिंगल व्यक्ति कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार नहीं होगा। एस जी सोम का मैसेज है, नेगेटिव डिक्लेरेशन सूट कोर्ट में डिसमिस होगा क्या? सर डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स के ऊपर। अगर केस के फैक्ट्स ये देख रहे हैं कि प्राइम फेसी केस ऐसा बन रहा है कि डिक्लेरेशन सूट वहां पर उसका अधिकार नहीं बनता, वो फ्रॉड केस है, तो बिल्कुल डिसमिस हो सकता है। देखिए अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई इलीगल एक्ट करते हैं, जैसे प्रेजेंट केस में यहां पर इनकी एक टीम थी जो बताई जाती है, जो रोहिणी जेल, तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, वहां से
मैनेज किया करते थे। क्या करते थे? लोगों से एक्सट्रोशन करते थे। कई बार हायर रैंक ऑफिशियल का बहाना बना के हुए कि हम उस हायर रैंक ऑफिशियल से हैं, हम उस ऑफिशियल से हैं, आपका ये काम करा देंगे, इस तरीके से पैसों की डिमांड कर ली जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में वो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फंसे हुए हैं 200 करोड़ के ऊपर, तो वो इलीगल एक्ट के अंदर काउंट हो गया, इसके तहत वो वहां पर फंसे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहां पर अगर वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो इलीगल नहीं है बट वो इलीगली तरीके से करते हैं, ऐसी कंडीशन में वो कोई एग्रीमेंट ऐसा बना देते हैं जो यहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ रहा है। ये भी इसके अंदर प्रोविजन है कि नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड एग्रीमेंट डन बाय वन और मोर पार्टी सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट करता है, जैसे प्रेजेंट केस में चंद्रशेखर के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का किया गया है, या फिर अगर कोई वो ऐसा एक्ट करता है जो इलीगल तो नहीं है बट इलीगली तरीके से किया गया, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं यहां पर दो लोगों के बीच लड़ाई हो गई, अब किसी व्यक्ति का इंटेंशन ये रहा कि यहां पर मैं इस लड़ाई को रोक दूं, अब लड़ाई को रोकने का तरीका क्या है, वो जाकर उन्हें समझा सकता है, बट अब वो क्या करता है, डंडा उठाकर दोनों को मारने लगता है, दोनों के सर फाड़ देता है, दोनों से और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो उसका एक्ट इलीगल नहीं था, उसने इलीगल तरीके से रोकना चाहा, तो वो यहां पर इलीगली तरीका माना जाएगा। अब यहां पर जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ही एक्ट कर रहे हैं उनकी साजिश हो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में काउंट हो जाएगा। तो प्रेजेंट केस में दोस्तों यहां पर 120 ए इसलिए लगा क्योंकि वहां पर वो इलीगल एक्ट किया था, दो और दो से ज्यादा लोगों द्वारा किया गया था। अब एसजी सोम का मैसेज आया, मैटरनल नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या? देखिए सर, नेचुरल गार्डियन उस कंडीशन में बनाए जाते हैं। गार्जियन कब बनाए जाते हैं? जब व्यक्ति की एज 18 साल से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको गार्जियन की नीड होती है। वो क्या होता है, अगर उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो नेचुरल गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाती है, नेचुरल गार्डियंस को बाउंड किया जाता है। तो नेचुरल गार्डियन जो उनके नेचुरल परवरिश के लिए होते हैं, माता पिता नहीं है तो किसी और को अगर वहां पर उनका गार्जियन माना गया वो नेचुरल गार्डियन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, सेक्शन 415 इंडियन पीनल कोड बात करता है चीटिंग के बारे में, जो यहां पर हमने कई बार सुना होगा 420 का केस कर दिया, 420 केस कर दिया, वो चीटिंग से रिलेटेड होता है। अब यहां पर भी यही कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डिसीव करता है, मतलब धोखा देता है, कैसे, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उसको बहकाता है ताकि वो उसे डिसीव करके डिलीवरी करा सके किसी प्रॉपर्टी की। अब यहां पर प्रॉपर्टी की क्या डिलीवरी करने की कोशिश कही है, 200 करोड़ रुपए। ये चीज एक लॉ स्टूडेंट को जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रोविजन सबको पता है 415 चीटिंग, 463 फोर्जरी, बट किस तरीके से उसको बाउंड किया गया, ये एडवोकेट आपको प्रैक्टिकली बता सकता है, जो प्रैक्टिकली यहां पर एडवोकेट के थ्रू प्रैक्टिस कर रहा हो, तो वो चीज आपको समझनी है। क्या डिलीवरी की गई है प्रॉपर्टी की, 200 करोड़ की। यहां पर यही चीज कवर की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चीट करता है धोखे से, यहां पर उसके थ्रू डिलीवरी करा लेता है प्रॉपर्टी की जो उसे इंड्यूस करके कराई गई है, तो वो चीटिंग के अंदर काउंट होगा। अब देखिए एक कमेंट आया है, सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाउस का केस चल रहा है, बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत चुके हैं, बार बार कर दे रहा है अपील, इसके लिए क्या करें? साजिद जी देखिए, अपील करना उनका अधिकार है, ये आप समझ नहीं रहे हैं, या तो कोर्ट की तरफ से यहां पर ये गाइडलाइंस पास की जाए कि वो अपील नहीं कर सकते, वो कुछ प्रोविजंस में होता है, ऐसी कंडीशन में वो अपील नहीं कर पाएंगे, बट अगर ऐसा नहीं है तो अपील करना तो अधिकार है, आप उसे थोड़ी रोक सकते हैं। अगर आप एक अच्छे से एडवोकेट के थ्रू गाइड लेते हैं तो आपको वहां पर एक अच्छा बेनिफिट दिला सकता है। अगर आपका प्रॉपर्टी पर पोजेशन नहीं है, आपको पोजेशन मिल सकता है, बाद में उसको अपील करना है, जो करना है वो करता रहे, बट ये आपको एक एडवोकेट की गाइडेंस से ही करना होगा। तीसरा मैटर बनता है 383 एक्सटोर्शन। देखिए अब ये चीज आपको कब देखने को सुनाई देती है, कई बार सुना है कुछ बड़े गैंगस्टर यहां पर किसी से कॉल करके फिरौती मांगते हैं, उसे एक्सटोर्शन मनी कहा जाता है, ये वही चीज है। Whoever intentionally, जब कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर डर पैदा करता है किसी के अंदर कि उसको इंजरी की जा सकती है, और यहां पर उसे dishonestly गलत तरीके से इंड्यूस करता है, उसे फियर में डर में रखते हुए कि यहां पर उससे उसकी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली जा सके, या फिर कोई ऐसी चीज जो साइन और सील्ड हो जो वहां पर बाद में कन्वर्ट की जा सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर, तो उसको एक्सट्रोशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आपको एक इलिस्ट्रेशन भी देता हूं, जैसे ए क्या करता है, डराता है जेड को कि उसके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा कर देगा, नहीं तो उसको पैसे दे दे, ऐसी कंडीशन में जेड क्या कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो ए ने क्या करा, एक्सटोर्शन किया,
उसको डरा धमकाकर उससे पैसे ले लिए। एक्सट्रोशन इसी चीज को कहा जाता है। अब ये जो व्यक्ति है चंद्रशेखर, इसके ऊपर 120 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 415 चीटिंग और एक्सट्रोशन, ये तीनों चार्जेस लगाए गए हैं। एसजी मैसेज करते हैं, महाराष्ट्र लैंड रिवेन्यू 1966 सेक्शन 155 का तहसीलदार का ऑर्डर हो गया और सामने वाला एसडीएम के पास अपील में गया और सिविल सूट भी फाइल कर दिया। तहसीलदार के ऑर्डर के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। देखिए सर, वैसे तो अगर आप उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं तो आपको रिवेन्यू कोर्ट के थ्रू ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल कोर्ट एक अलग प्रोसीडिंग होती है। बाकी कुछ और तरीके भी हैं, वो चीज मैं आपको केस आपका पूरा देखकर समझकर तभी बता पाऊंगा। बाकी जो ये होते हैं तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, ये रिवेन्यू कोर्ट के अंदर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेट लॉ होते हैं वो रिवेन्यू कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, सेंट्रल कोर्ट लॉज आपको बाद में सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है। हाँ, बाद में अपील कर करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो एक अलग तरीका है, बट बिना आपका पूरा केस देखे समझे मैं आपको यहां पर इतना सुन के गाइड नहीं कर पाऊंगा। एसजी अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैटर क्या बना था। अब यहां से एंट्री होती है दो एक्ट्रेस, जैकलिन फर्नांडेस और नोरा फतेही। यहां से आपको अब केस में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। आपको क्लियर हो गया ये व्यक्ति कौन था, क्या क्या चार्जेस के ऊपर लगे हैं, किस वजह से लगे हैं, क्या इन्होंने लॉन्ड्रिंग केस कितना जो 200 करोड़ का लगाया, क्या अमाउंट था, सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहां पर देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब की गई यहां पर एजेंसीज की तरफ से, तो ये पाया गया कि जब यहां पर रोहिणी जेल में था वहां पर वो एक्सटोर्शन रैकेट चला रहा था जेल के अंदर रहते हुए, स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। अब देखिए, यहां पर वो जेल के अंदर रहते हुए भी एक्सटोर्शन रैकेट चला रहा था, जिसकी वजह से यहां पर इतना बड़ा ठगी भी उसके द्वारा कर ली गई। इसके अलावा ईडी यानी कि जिसके बारे में हमने बात की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उटके द्वारा जब यहां पर चार्जशीट फाइल की थी सुरेश चंद्रशेखर के अगेंस्ट में, तो यहां पर उनकी दो फ्रेंड्स के नेम सामने आए थे। अब यहां से हमारा आज का डिस्कशन मेन शुरू होता है, जैकलिन फर्नांडेज एंड सेकेंड वन इज नोरा फतेही। यहां पर यह चीज कही जाती थी कि जैकलिन फर्नांडेज और नोरा फतेही की इनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो यहां पर क्या करते थे, इनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाई, उनको महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने शुरू करे। यहां पर यह भी बताई गई है कि वो फेक कॉल करते थे, खुद को इंपर्सोनेट दिखाकर कि वो यहां पर जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनके जानकार है, यानी कि अमित शाह जी के जानकार है। इस तरीके के वो यहां पर खुद को एक हायर रैंक ऑफिशियल, खुद को यहां पर बड़े रिलेटिव दिखाते हुए कि अमित शाह जी मेरे जानकार है, हायर पॉलिटिशियन मेरे जान पहचान में है, इस तरह की फेक कॉल्स करवाते थे। और यहां पर जो सामने वाली पार्टी होती थी जैसे कि जैकलिन फर्नांडेज, नोरा फतेही, वो यहां पर उनके थ्रू अट्रैक्ट हो जाती थी। इसके अलावा वो यहां पर महंगे महंगे उनको गिफ्ट्स देते थे। वो क्या क्या होते थे वो मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूं। एसजी का मैसेज आया है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ इंजंक्शन एप्लीकेशन सिविल कोर्ट में फाइल किया है। ठीक है, सिविल कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया और डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, आगे क्या करें। देखिए यहां पर जब वो इंजंक्शन सूट डिसमिस ही कर दिया गया तो डिफेंडेंट ने उसको फाइल, डिफेंडेंट के पास ये राइट बन गया कि वो आगे जाकर इसको शेयर कर सके, प्रॉपर्टी को सेल डिपोज कर सके। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कर सकते थे कि जब सिविल कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, आप उसकी अपील में जा सकते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते थे। वो आपने गलती करी, अब अगर आप समय रहते वहां चले जाते और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके एक्सेप्ट कर लेती तो वहां पर स्टे लग जाता और वो व्यक्ति वहां पर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाता। देखिए, जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही ने यहां पर जो मैंने आपके साथ क्लियर किया कि यहां पर उनसे रिसीव किए गए थे गिफ्ट, जो यहां पर उन्होंने इंटेरोगेशन राउंड के अंदर एक्सेप्ट किया, जो ईडी द्वारा यानी कि जब ईडी पूछताछ करती है उसको इंटेरोगेशन राउंड कहा जाता है। तो उसके अंदर नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम एक्सपेंसिव गिफ्ट लेते थे चंद्रशेखर से। अब देखिए, यहां से अब आपको प्रॉपर रिलेशन दिखाई देगा। अब देखिए, जब तक यहां पर गिफ्ट दिया, अपील पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सर देखिए सर अपील पेंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी अपील को फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने इसे बेच दिया है। बट आगे इन फ्यूचर अगर आपकी अपील क्लियर कर दी जाती है और स्टे लग जाता है तब भी वहां पर स्टे लग जाएगा, तो अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को खरीदा भी है तो भी उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पर आगे कुछ इससे नहीं कर पाएगा। नोरा फतेही ने यहां पर एक डिफोमेशन केस फाइल किया, किसके ऊपर, जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर। अभी आप कहेंगे सर अभी तक तो हमने इतना ही सुना था कि इन दोनों ने गिफ्ट लिए, पर
अब यहां पर जैकलिन के ऊपर नोरा ने केस क्यों फाइल किया, अब इसके पीछे क्या कारण बना, ये सबसे बड़ा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां पर डेली कोर्ट के अंदर नोरा ने जैकलिन के अंदर यहां पर जो डिफोमेशन केस फाइल किया उसके अंदर मेन कारण ये बताया है कि वो उसका करियर डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इस वजह से यहां पर ये चीज केस फाइल किया गया, यानी कि डिफोमेशन केस फाइल किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी क्लियर किया था, ईडी ने जो यहां पर इंटेरोगेशन राउंड हुआ था दोनों से पूछताछ की थी, जहां पर इन दोनों ने एक्सेप्ट ये भी किया था कि हां चंद्रशेखर की तरफ से इनको यहां पर एक्सपेंसिव गिफ्ट रिसीव हुए हैं। इसके अलावा कुछ और एक्ट्रेस भी थी जिनको यहां पर हम नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि उनका नीड ही नहीं है, प्रेजेंट जो केस चल रहा है वो यहां पर इन दोनों के बीच चल रहा है। इसके अलावा फतेही ने जो प्ली की फाइल की है, एक तरीके से सरल भाषा में आपको बताऊं जो सूट केस फाइल किया है वो यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट जो अपीलियन ट्रिब्यूनल में दी गई है उसके अंदर दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो ईडी है वो सेलिब्रिटी जैसे कि फतेही वगैरह को जिन्होंने रिसीव करे हैं गिफ्ट, उन्होंने भी मतलब गिफ्ट को रिसीव किया है, उनको यहां पर केवल विटनेस बनाकर छोड़ दिया और मुझे मेन एक्यूज बनाया गया। यानी कि जैकलिन फर्नांडिस का यह कहना है कि जो 200 करोड़ का लॉन्ड्रिंग केस है इसके अंदर और भी एक्ट्रेस थी जिन्होंने गिफ्ट लिए हैं जैसे कि नोरा फतेही, उनको तो केवल विटनेस बनाया जबकि मुझे मेन एक्यूज बना दिया गया। अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा यहां पर जैकलिन फर्नांडिस ने मेंशन किया। अब इसी चीज से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर जो फर्नांडिस ने रिटर्न स्टेटमेंट में ये बात कही है, ना ही कोई पब्लिकली कही है, ना किसी मीडिया चैनल में कही है, उन्होंने जो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की है यहां पर उसमें ये चीज मेंशन की है। अब प्रशांत रोजी का मैसेज आया, एक कब्जेदार जिस जमीन में कब्जे में है उस जमीन का सेल डीड और म्यूटेशन हो गया, ठीक है, कब्जेदार उस सेल डीड और म्यूटेशन को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है क्या, प्रॉपर्टी बेचने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है। अच्छा, अलग अलग मैसेज है। देखिए सर, प्रशांत जी यहां पर कब्जेदार उसको चैलेंज कर सकता है, अगर उसको 12 साल से ज्यादा समय हो गया कब्जा करते हुए तो वो आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट के तहत उस चीज को चैलेंज कर सकता है और ये डिमांड कर सकता है कि सेल डीड को नल एंड वॉइड ठहराए और मुझे इसका मालिक बनाए, म्यूटेशन प्रॉपर्टी का मालिकाना तय नहीं करता। ये चीज से रिलेटेड आज मैंने आपको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक रेलिवेंट जजमेंट अपने चैनल पर शेयर किए, यानी द लीगल चैम्बर बाय दीपक अंग्रेज, वहां पर मैंने आप लोगों के साथ वो जजमेंट शेयर किए, वहां पर आप देखे चेक करें, वहां पर यही सेम कंडीशन थी, गिफ्ट डीड के बाद म्यूटेशन करी गई थी कमिश्नर कोर्ट की तरफ से, तो वहां पर यही चीज फाइनलाइज की कि जो म्यूटेशन है वो केवल लैंड कलेक्शन रिवेन्यू के बेस पर है, ना कि उससे कोई ओनर बन जाता है। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि वहां पर वो क्या म्यूटेशन का या सेल डीड को कैंसिल करवा सकता है या नहीं। एस जी सैम, प्रॉपर्टी बेचने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है। देखिए सर, अभी तो आपने थोड़ा सा लेट तो किया है, बाकी आप एक बार मेरे से कॉल पर कंसल्ट करें, मैं पूरा मैटर आपका समझूंगा, इसके अंदर क्या आगे हो सकता है उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52, मैंने आपको इस सेक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जहां पर अगर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग हो तो उसको सेल नहीं किया जा सकता, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दी हुई है कि इस चीज में क्या होता है, जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची जाती है उसको भी बाउंड कर दिया जाता है कि इन द केस अगर जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो केस हार जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको भी बाउंड किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसके पहले ओनर को ही वापस कर दिया जाए। तो ये चीज इसके अंदर होती है, बाकी देखिए केस के फैक्ट्स हर अलग होते हैं, वो चीज उसे डिसाइड जब ही की जा सकती है जब हम उस चीज को देख ले, नहीं तो इसे ऐसे क्लियर कर पाना आप लोगों के लिए मुझे तो बहुत इश्यू हो जाएगा, बिना केस के फैक्ट्स पढ़े मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों को बहुत आज से रिलेटेड क्लियर कर दिया है, इसके अलावा 52 अगर उन्होंने मैसेज किया मैं क्लियर कर देता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंसी इसको कहा जाता है। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं जो मैंने आपको बताया, आप सर्च कर सकते हैं गूगल यूट्यूब पर एडवोकेट दीपक अंग्रेज, वहां पर आपको इस चीज से रिलेटेड मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंसी सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए, अब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि किस वजह से ये मेन कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई, यहां पर दोनों का नाम आ गया, जैकलिन फर्नांडिस ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनका म्यूटेशन कर, देखिए सर म्यूटेशन जो है वो केवल लैंड पर रिवेन्यू कलेक्शन के लिए किया जाता है, अगर उसको टाइटल बेस पर किया है, किसी ने ये लिखा है कि म्यूटेशन हो गया मालिक वो है, अगर कमिश्नर के द्वारा ऐसा लिखा गया तो उसको आप
रिट ऑफ सिरेटरी का यूज करते हुए क्वैश करा सकते हैं, उस ऑर्डर को कैंसिल करा सकते हैं। मैंने आज आपकी जो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है एसजी, आप एक बार उसे जरूर देखिए, आपके लिए बहुत काम आएगी। देखिए यहां पर, अब देखिए मैंने आपको सेशन क्लियर में, आज के सेशन में क्लियर कर दिया कारण क्या रहा मुख्य है, क्यों यहां पर इन दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई, चंद्रशेखर का क्या रीजन था। अब देखिए यहां पर दिल्ली कोर्ट ने जो फर्नांडेज है, यहां पर जैकलिन फर्नांडेज, उसको बेल भी प्रोवाइड कराई थी नवंबर के महीने में, क्योंकि उनको जब मेन एक्यूज बनाया गया तो ऐसी कंडीशन में उन पर चार्जशीट वगैरह फाइल हुई तो उनको मेन एक्यूज बना दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने यहां पर दिल्ली के कोर्ट से बेल ले ली थी। यहां पर यह चीज भी पाई गई कि जो एक्यूज है यानी कि जो जैकलिन फर्नांडेज है वो यहां पर गिफ्ट रिसीव कर रही थी सुकेश से, जो यहां पर जो पैसा उसने क्राइम से इकट्ठा किया था यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्सटोर्शन से, इसके थ्रू उसी से उसने उन पैसों से जैकलिन फर्नांडिस को यहां पर गिफ्ट दिए थे। तो उनको, अब आप कहेंगे सर चलो इसने तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्सटोर्शन किया, पर कोर्ट ने जैकलिन को क्यों अरेस्ट किया? अब ये सबसे बड़ी बात है। चलो 1% ये भी देख लेते हैं। मिस्टर एडवोकेट रणविजय सिंह, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगा मैं, एडवोकेट साहब रणविजय सिंह यहां पर, गुड इवनिंग आपको। तो क्वेश्चन ये आता है कि नोरा फतेही और जैकलिन के ऊपर क्यों एक्शन लिया? देखिए यहां पर ईडी द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या जो एक्सटोर्शन किया जा रहा था उनकी नॉलेज इन दोनों को थी, ये तो नहीं ये दोनों भी इसके अंदर मिली हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में जैकलिन ने जब यहां पर एक्सपेंसिव गिफ्ट रिसीव किए तो कहीं ना कहीं ईडी को ऐसा लगा कि हाँ जैकलिन भी यहां पर किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है, उसको नॉलेज थी कि यहां पर इस तरीके के यहां पर कुछ एक्टिविटी की जा रही है चंद्रशेखर की तरफ से, जिस वजह से यहां पर जैकलिन को एक्यूज बना दिया गया। नोरा फतेही के साथ इंटरोगेशन राउंड तो हुआ, पूछताछ तो की गई, बट उनको यहां पर एक्यूज नहीं किया गया। तो यहां पर यही चीज कही गई दिल्ली कोर्ट ने कि यह चीज बाद में ट्रायल में डिसाइड की जाएगी कि यहां पर जो जैकलिन फर्नांडेज है उनकी नॉलेज इंटेंशन और कनेक्शन था एक्यूज के, कि वो यहां पर जो वो गिफ्ट ले रही है, क्राइम वो कर रहा है, उससे रिलेटेड था ये, यहां पर जैकलिन फर्नांडेज का आगे ट्रायल में जाकर क्लियर होगा, ऐसा दिल्ली कोर्ट ने क्लियर कर दिया। एसजी का मैसेज आया है, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर नाम है, ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी पर नाम है और सक्सेशन की एंट्री करी नहीं है, भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो म्यूटेशन हो सकता है। देखिए एसजी थोड़ा सा आप क्लियर मैसेज करें, साफ साफ वर्ड में करें, क्योंकि समझने में दिक्कत आती है लाइव में। मिस्टर एडवोकेट रणविजय सिंह कहते हैं किस सब्जेक्ट की क्लास रहे हैं आप सर? देखिए सर वैसे तो मैं यहां पर अपनी अकेडमी पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं आईपीसी से, जो स्टूडेंट जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत हेल्प करेगा। आने वाले टाइम में मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं हर एक सिंगल सेक्शन, चाहे वो लो का हो, सॉरी हर एक सिंगल सब्जेक्ट, चाहे वो मेजर हो, चाहे माइनर हो, चाहे लोकल हो, वो सभी कवर करूं। प्रेजेंटली हम यहां बात करें, मैं अनअकैडमी के इस चैनल पर आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट आ रही है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर के टॉपिक चल रहे हैं, वो चीज मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अब आपको क्लियर हो गया होगा दिल्ली कोर्ट से उन्होंने बेल ली, बेल क्यों ली, इन दोनों को इसके अंदर क्यों जोड़ा गया, यहां पर नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, चंद्रशेखर कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस केस के अंदर इनको यहां पर ईडी ने अरेस्ट किया, सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके अलावा यहां पर यह चीज देखी गई कि यहां पर कि फतेही हु आल्सो रिस्क ग्रीफ फ्रॉम सुकेश हैज बीन कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग सर्वर टाइम एक्यूज बट स्टेटमेंट बीन इंक्लूडेड इन प्रोक्यूशन क्लेम। देखिए एक मिनट, ये मैं आपको यहां से समझाता हूं, रुकिएगा। देखिए यहां पर अब यही चीज जैकलिन फर्नांडिस को खा भी रही थी। यहां पर यह चीज देखी गई कि जैकलिन फर्नांडिस ने यह बात कही कि सर यहां पर मुझे तो एक्यूज बना दिया गया, बट जो नोरा फतेही, जो मैं आपके साथ क्लियर भी कर चुका हूं, यह मैं पॉइंट इसलिए लाया हूं ताकि ये जो मैं यहां पर पब्लिशिंग आपको दिखा रहा हूं ये न्यूज़पेपर्स की है, ताकि वर्ड टू वर्ड आपको क्लियर हो। यहां पर नोरा फतेही का यही कहना, नोरा फतेही जो थी वो भी तो गिफ्ट रिसीव कर रही थी सुकेश से, तो उसको भी यहां पर क्वेश्चन किया गया सर्वर टाइम, बट उसको एक्यूज नहीं बनाया गया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर करा। और यही चीज जो है जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिखी, जिस वजह से यहां पर इस चीज से चिढ़ते हुए या परेशान होते हुए नोरा फतेही ने डिफोमेशन केस कर दिया कि मेरा नाम रिटर्न स्टेटमेंट में देखकर वो ये चाहती हैं कि मुझे डिफोम कर दे, डिफेम कर दे, मेरी मानहानि, मतलब मेरी जो इमेज है उसको डैमेज कर दे और यहां पर मेरा करियर खत्म कर दे। ये मेन कॉन्ट्रोवर्सी है इन दोनों के बीच। यहां पर एस जी सोम का मैसेज आया, इंडेक्स 2 में मेरा एरिया अलग है और सेल डीड में मेरा एरिया अलग लिखा है,
तो सेल डीड चैलेंज कर सकते हैं। देखिए सर, आजकल ये बहुत जगह होता है, कई बार डिमार्केशन जो होती है उसके अंदर अलग आ जाता है और सेल डीड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होता है। तो इसमें मेरी पर्सनल सलाह यही होती है कि जिसका आपके एरिया पर ओनरशिप दिखा रहे हैं और सेल डीड के तहत जिसके एरिया में आपके और ओनरशिप दिखा रही है, आपकी ओनरशिप दिखाई जा रही है, मैं ये कहता हूं ऐसी कंडीशन में लोगों को वो लोग आपस में मिलकर एक एक्सचेंज डीड बनवा लें, ताकि कोर्ट में दोनों को ही परेशान ना होना पड़े। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन रही तो फिर तो देखिए आगे कोर्ट में जाना पड़ेगा, सेल डीड चैलेंज होगी, दूसरी पार्टी एडवर्स पोजीशन करेगी और उस हिसाब से आगे केस चलेगा। बाकी अगर डिमार्केशन में गलती है तो उसके लिए आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है दोबारा से अगर डिमार्केशन हो, पैमाइश हो, तो वहां पर जो पहली सिचुएशन थी वही दोबारा से क्रिएट हो जाए। अब देखिए वही चीज है जो मैंने आपके साथ क्लियर की। अब रीसेंट रिपोर्ट ये कह रही है कि जो यहां पर नोरा फतेही है उसने डिफॉर्मेशन फाइल कर दिया है, राम सेतु एक्ट्रेस यानी कि जो जैकलिन फर्नांडिस है उसके बारे में यहां बात की जा रही है। किसके अंदर करा है? अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, जो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो मैंने आपको बार बार बताया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है। ऐसी कंडीशन में वहां पर जो ईडी है उनका कहना है कि उन्हें यहां पर बेवजह ईडी ने गलत तरीके से एक्यूज बनाया है, क्योंकि जैसे कि नोरा फतेही है वो भी तो यहां पर गिफ्ट वगैरह ले रही थी चंद्रशेखर से, तो उसको यहां पर पार्टी नहीं बनाया। तो ऐसी कंडीशन में जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की यहां पर उन्होंने, उसके अंदर यहां पर ये चीज मेंशन कर दी नोरा फतेही के लिए, जिससे नोरा फतेही वहां पर उनसे चिढ़ गई। अब देखिए नोरा फतेही ने केवल जैकलिन फर्नांडिस नहीं, 15 मीडिया हाउसेस के ऊपर भी यहां पर डिफॉर्मेशन के लिए केस डाला है, जो यहां पर 200 करोड़ एक्सट्रोशन केस से रिलेटेड कवरेज दे रहे थे। यहां पर उन्होंने यही कहा कि कंडीशन ये है कि जो 15 मीडिया हाउसेज है जो जो उन्होंने अपने यहां पर डिफॉर्मेशन में मेंशन किए हैं, इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस, ये सभी लोग मिलकर मेरा करियर स्पॉइल करना चाहते हैं, इसलिए मेरा नाम यहां पर दे रहे हैं, ये इसका बेसिक रीजन है। अब यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि फर्नांडिस के जो एडवोकेट हैं वो इससे रिप्लाई कर रहे हैं, वो इसमें आगे आकर एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करता हूं, पहले कमेंट आगे पिक कर लिए जाए। देखिए एसजी कमेंट करते हैं, प्लेंटिव को प्रॉपर्टी में टाइटल नहीं है, ओनली म्यूटेशन एंट्री है, ठीक है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है, तो प्लेंटिव को डिपेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन मिलेगा क्या? देखिए सर, इंजंक्शन जब भी डिमांड किया जाता है तो कोई भी आपको एडवोकेट क्लियर करता है, तीन चीज देखी जाती है, क्या? प्राइम फेसी केस, ऑर्डर 39 रूल 1 टेम्पररी इंजंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, प्राइम फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और यहां पर इररिपेरेबल लॉस, ये तीनों चीज वहां पर देखी जाती है। अब जैसा आप बता रहे हैं केवल म्यूटेशन है, तो प्राइम फेसी केस तो उनका वीक बन रहा है, क्योंकि सेल डीड जिनके फेवर में या कोई लीगल डॉक्यूमेंट जिनके फेवर में, वहां पर वो काम आएगा। बाकी ये चीज कोर्ट कंसीडर करता है, दोनों पार्टियों के फैक्ट्स देखे जाते हैं, अभी मैं केवल आपकी सुन रहा हूं तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। दोनों पार्टियों के फैक्ट्स देखने के बाद ये चीज देखी जाती है कि क्या प्राइम फेसी केस ऐसा है कि अगर स्टे नहीं दिया गया तो यहां पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जो पैसों की कंपैरिजन में रिपेयरेबल नहीं है। सेकंड चीज, अगर स्टे दिया गया और स्टे नहीं दिया गया, दोनों कंडीशन को बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के तहत ये देखा जाता है कि कंडीशन कब ज्यादा लॉस में हो जाएगी। ये चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दी है दोस्तों। अब देखिए यहां पर रिपोर्ट्स ये भी कह रही है, ये चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, अब यहां पर आगे बात करते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ईडी ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर क्या क्या गिफ्ट इन लोगों ने लिए वो क्लेम किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए यहां पर उन्होंने एक BMW कार गिफ्ट की है फतेही को दिसंबर 2020 में, और यहां पर इसके अलावा उन्हें 75 लाख रुपए के एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए हैं, यानी कि बातचीत जो थी वो करोड़ों में गई हुई थी, करोड़ों के गिफ्ट यहां पर नोरा फतेही को चंद्रशेखर ने दिए हैं। साथ ही साथ अगर यहां पर जैकलिन की बात की जाए तो यहां पर उन्होंने 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची चैनल और 2 गुच्ची जिम वियर्स आउटफिट, पेयर ऑफ लुइस वेंटम शूज, इसके अलावा डायमंड इयररिंग, ब्रेसलेट चाहे वो गोल्ड के हों या डायमंड के हों, मल्टी कलर स्टोन्स के 2 हेम्स, ये सारी चीज यहां पर उन्होंने दी है। अब देखिए ये यहां पर कैसे क्लियर किया गया, जो चार्जशीट फाइल की गई थी ईडी ने, इसी वजह से ये चीज मानते हुए कि हाँ हो सकता है जैकलिन एंड नोरा फतेही इस क्राइम को करने में चंद्रशेखर के साथ इन्वॉल्व हो, इस वजह से यहां पर उनसे इंटेरोगेशन राउंड किया गया। इंटेरोगेशन राउंड में ईडी ने यह पाया कि मे बी यहां पर एक्यूज है, क्यों ना एक्यूज जैकलिन फर्नांडिस, बट
नोरा फतेही को विटनेस बनाकर छोड़ दिया। अब इस वजह से जैकलिन ने रिटर्न स्टेटमेंट में कहा कि गिफ्ट तो दोनों ने लिए थे, तो मुझे ही क्या अक्यूज बनाया, नोरा फतेही ने भी तो लिए थे। और नोरा फतेही इस बात से चिढ़ गई और उन्होंने यहां पर डिफोमेशन केस फाइल कर दिया। ये पूरा कंसेप्ट था। देखिए, अब जैकलिन ने यहां पर इससे रिलेटेड कोई रिएक्ट तो नहीं किया, बट उनके एडवोकेट की तरफ से बात आया। उनके एडवोकेट ने कहा है कि अभी कोर्ट ने यहां पर कोग्निजेंस नहीं लिया है। कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट के सामने कोई सूट दाखिल किया जाता है, कोर्ट वहां पर क्या एक्शन लेता है। यानी कि अभी जो नोरा फतेही ने डिफोमेशन केस किया है, कोर्ट ने इससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया। अगर सरल भाषा में बताऊं, अब ऐसी कंडीशन में इट इज ओनली नोरा और समबडी हु हैज लीक न्यूज इन द मीडिया। यानी कि यहां पर उनका कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, कि वो या तो खुद नोरा हो सकती है या फिर कोई और हो सकता है जिसने मीडिया में ये चीज लीक की है कि यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये बात कही गई है, जो यहां पर कोई भी बेनिफिट नहीं दिलवाएगी, क्योंकि डिफोर्मेशन मानहानि पब्लिक स्टेटमेंट में होता है। रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कोई चीज मेंशन की जा रही है, वो डिफोर्मेशन नहीं होती, ऐसा उनके एडवोकेट की तरफ से भी क्लियर किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में लिखा है, लेट द कोर्ट टेक कॉग्निजेशन, इफ दे डू वी विल गो डेफिनेटली टू क्वेश्चनिंग इट। यानी कि अगर कोर्ट वहां पर कोई एक्शन लेता है, तो जैकलिन फर्नांडिस के एडवोकेट का कहना है, हम आगे प्रोसीड करेंगे और उसको क्वेश्चन करने की डिमांड करेंगे। अब वो 482 के तहत करें, कैसे भी करें, वो उसी समय पता लगेगी। इसके अलावा दोस्तों, ये चीज यहां पर रिप्लाई किया गया है जैकलिन के एडवोकेट के द्वारा। अब देखिए, यहां पर जो चीज मैंने भी आपके साथ क्लियर की थी कि जो ये यहां पर जैकलिन फर्नांडिस ने नोरा फतेही का नाम लिया है, ये किसी पब्लिक रिपोर्ट में तो नहीं लिया, ये किसी न्यूज चैनल में नहीं लिया, ये तो रिटर्न स्टेटमेंट में लिया है। तो क्या ये चीज डिफॉर्मेशन 499 इंडियन पीनल कोड के अंदर कवर होगी, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले आप यहां दें, फर्नांडिस हैज रिप्लाइड इन द कोर्ट टू द हायर अथॉरिटी वेयर देयर वाज मी। यानी कि उनके एडवोकेट कहते हैं कि यहां पर ईडी के उसके स्टेटमेंट का रिप्लाई किया गया है, ना कि यहां पर ये जो प्रोसीडिंग है किसी पब्लिक डोमेन पे की गई है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिफोमेशन नहीं मानी जाएगी। ये स्टेटमेंट भी आ चुकी है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट वट एवर ही सेड कैन नॉट बी रेज्ड टू डिफोमेशन एंड कैन बी पुट इन पब्लिक डोमेन। यानी कि जो वो बात की गई, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, वो रिटर्न स्टेटमेंट में की गई है, ना कि किसी पब्लिक डोमेन, वहां पर की गई है, तो वो डिफोमेशन नहीं कहा जा सकती है। जो मीडिया एजेंसी है, वही इस चीज को आउट करके लेकर आई है, तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को सर्कुलेट किया है। ऐसी रिपोर्ट यहां पर, ऐसा कहना है जैकलिन फर्नांडिस के एडवोकेट के द्वारा, जो यहां पर रिपोर्ट्स के तहत सामने आया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर डिफोमेशन क्या होता है, आप लोगों को यह जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है, कभी कोई एक्टर किसी और के ऊपर, कभी कोई व्यक्ति किसी और के ऊपर मानहानि का केस कर देता है। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 499 आईपीसी के अंदर ये चीज कवर की गई है। वैसे तो इसमें मैं केवल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बट इसके अंदर आप लोगों को 10 एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगी, यानी कि 10 वो कंडीशन जहां पर ये जो डिफोमेशन है, मानहानि जो है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। वो आज की वीडियो से हमारा रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैं यहां पर लेकर नहीं आया। आप डिफोमेशन समझे, इतना आपके लिए जानना बहुत है। एस जी सोम का मैसेज आता है, प्राइम फेसी बैलेंस कन्विंसिंग इम्पीरियलोज आवर क्लाइंट हैंड सब प्रूफ करना पड़ता है। देखिए, मैं आपका मैसेज समझा नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, थोड़ा सा आप क्लियर लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बाकी ये जो तीनों चीज है, प्राइम फेसी एविडेंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस, ये तीनों चीज आपको वहां पर साबित करनी पड़ती है, जब भी वहां पर इंजंक्शन कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। एक एडवोकेट के थ्रू आप जाएंगे तो वहां पर वो तीनों चीज आपको जरूर बताएगा। देखिए, अब यहां पर डिफोमेशन यानी कि मानहानि क्या होता है, मैं वो भी क्लियर करता चलता हूं साथ साथ। जब कोई वर्ड, चाहे वो बोले गए हो या फिर उन्हें किसी भी तरीके से पढ़ा गया हो, किसी साइन के थ्रू कहा गया हो, किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसे इशारे करके कहा जाता है, साइन के थ्रू कहा जाता है, अगर ऐसी कंडीशन किसी ने की है या उसे पब्लिक किया है, किस लिए, इम्प्यूटेशन कंसर्निंग किसी व्यक्ति की इज्जत उछालने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए, उसको किस लिए, उसको हार्म किया जा सके, नोइंग और हैव रीजन टू बिलीव दैट, ये जानते हुए कि इस पर जो आरोप लगा रहे हैं हार्म कर सकते हैं उनको, और जो व्यक्ति है उसकी रेपुटेशन को हार्म कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में वहां पर उसको डिफोर्मेशन मानहानि कहा जाता है। हाँ, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो हम आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो का हमारा टॉपिक केवल यही था कि जो चंद्रशेखर का लॉन्ड्रिंग केस था 200 करोड़ का, वो क्या था,
इन दोनों के बीच कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई, क्या रीजन था जो नोरा फतेही यहां पर जैकलिन के ऊपर डिफोमेशन केस कर रही है, क्या जैकलिन के ऊपर डिफोमेशन केस बनता भी है, या फिर जैकलिन के एडवोकेट का क्या रिप्लाई आया, पूरा मैटर क्या था, ये हमने अपने आज के एक घंटे के सेशन में आपको क्लियरली करके बता दिया है सर। अब आज के सेशन से मेरे को लगता है आपको पूरा ये केस क्लियर हो गया होगा। अब 20 दिसंबर को जब हियरिंग है वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अपडेट क्या आया है। प्रेजेंटली क्या हुआ है, डिफोमेशन नोरा फतेही ने जैकलिन फर्नांडिस के अगेंस्ट कर दिया है। कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है, जैसे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है तो जैकलिन की तरफ से जो एडवोकेट है वहां पर रिएक्ट करेंगे, चाहे उसको क्वेश कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए, चाहे वो चीज उसी समय पता लगेगी, बट प्रेजेंट सिनेरियो ये है जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रहा हूं। एसजी का मैसेज आया है, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ इंजंक्शन सूट फाइल किया है, ठीक है। प्लेंटिफ ने जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी से कनेक्टेड पार्टीशन सूट फाइल किया है और कोर्ट में ये बात छुपाई है तो इंजंक्शन मिलेगा। देखिए सर, क्या आपका मैटर है, प्लेंटिफ कौन है, पार्टीशन सूट कैसे फाइल किया गया है, क्या वो एंसेस्ट्रल है, इसके अलावा आपको क्या चीज वहां पर दिखाई जा रही है, ये मैं आपको पर्सनली कॉल पर ही एसजी सोम क्लियर कर सकता हूं। आपने सिर्फ मेंशन किया कि पार्टीशन था, पार्टीशन क्यों था, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, एंसेस्ट्रल थी, या उनका क्या रीजन था, इसके अलावा इंजंक्शन क्यों मांगा जा रहा है, ये कई चीज होती हैं जो कॉल पर ही डिस्कस होती हैं। हाँ, छोटा मोटा जो हमारा सेशन है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी यहां पर लाइव सेशन का मतलब ये होता है जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप डिस्कस करें। मैं आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसका जवाब जरूर देता हूं, बट इस तरीके का अगर आप पूरा केस यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे तो सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे भी आपसे रिप्लाई में पूछना पड़ता है और मैं अगर आपसे ये पूछने लग जाऊंगा तो मैं अपना सेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा सर। फेमस जुडिशरी जी का कमेंट आया है, सर आप यू अन अकेडमी में पढ़ाते हैं प्लस में, देखिए अभी मेरा जो टाई अप हुआ था वो यहां पर यूट्यूब के वीडियोस के लिए हुआ था, बट मे बी कल या परसों से मैं यहां पर स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड कराने वाला हूं आईपीसी की, देन उसके बाद और भी अदर सब्जेक्ट चाहे वो मेजर लो हो, माइनर लो हो, लोकल लॉज हो, मैं पूरे कवर करके दूंगा। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं इसी लैंग्वेज में जो हमारी रोजमर्रा की है आपको सिंपली तरीके से क्लियर करके देता हूं, ताकि प्रोविजन अगर आपको क्लियर हो गया इन दैट सिचुएशन यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रोविजंस को प्रॉपरली तरीके से यहां पर लिख पाएंगे। फेमस जुडिशरी में आपको इंग्लिश यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ना प्रॉपरली इंग्लिश ना प्रॉपरली हिंदी, दोनों लैंग्वेज में मैं मीडियम यूज करते हुए आपको यहां पर सेशन लेने वाला हूं। आप मेरे को दीपक शर्मा अंग्रेज के तहत ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीपक अंग्रेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। फेमस जुडीसी का, सर एमपी के लोकल लॉज एमपीआरसी पढ़ाओगे सीजे, देखिए मैं एमपी के लोकल लॉज फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन ये है अभी जो मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूं वो कुछ मेजर लॉज से कर रहा हूं, आईपीसी सीआरपीसी यहां पर ये सारी चीज, और अभी टेलीग्राम का मैंने लिंक नहीं बनाया क्योंकि मैंने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट नहीं किया है, मैंने जून जुलाई के महीने में कुछ क्लासेस ली थी बट ड्यू टू सम कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग वो हमारा सेशन आगे नहीं कर पाया था मैं, बट नाउ आई एम प्लानिंग कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहां पर आपको सभी मेजर एंड माइनर लॉज प्रोवाइड कराऊं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करें, मैं यहां पर जितने कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से आप लोगों के लिए सेशन आगे लेकर आऊंगा। स्टेटस क्यू का ऑर्डर टीपी 15 डिस्पेंडेंस परचेज थर्ड पार्टी पर बाइंडिंग होगा क्या, वो सूट में पार्टी नहीं है। देखिए सर, सूट में पार्टी नहीं है तो स्टेटस क्यू वहां पर नहीं बाइंडिंग होगा, बट अगर उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात की गई है तो प्रॉपर्टी, देखिए सर स्टेटस क्यू प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है पार्टी पर नहीं, अगर वो पार्टी उसी प्रॉपर्टी को आगे सेल कर रही है तो वो दिक्कत की बात है क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यू लगा है तो वो बिल्कुल बाउंड करेगा, बट अगर कोई और अनदर प्रॉपर्टी है, पार्टी कोई अनदर है, तो वहां पर स्टेटस क्यू उनको बाउंड नहीं करेगा। क्लियर है एसजी सर? अब आज का हमारा सेशन कवर होता है, अब आप मुझे क्लियर करें कि आप इस तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स यहां पर चाहते हैं या फिर लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट अमेंडमेंट्स आप चाहते हैं मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर आऊं, वो चीज मैं अपने कल के सेशन में आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी मैं उसी को आगे अप्लाई करूंगा। डेली शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक
मैं लाइव सेशन लेता हूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन है साथ साथ डील की जाए। बाद में अगर बड़ा मैटर है तो मैं क्लियर कर देता हूं कि आप कॉल पर बात करें, क्योंकि कुछ चीजें यहां पर डिस्कस नहीं की जा सकती। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो मेरा इतना सा अनुरोध है, लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें। अगर आप मेरे पर्सनल चैनल द लीगल चैंबर बाय दीपक आंग्रिश से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहां पर एडवोकेट दीपक आंग्रिश गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम अपने अगले सेशन में आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। स्टेटस क्यू डिफेंडेंट के अगेंस्ट दिया है, ठीक है, ट्रांसफर अगेंस्ट नहीं है, ट्रांसफर के अगेंस्ट नहीं है। क्या वो पार्टी नहीं है सूट में? देखिए सर, इस चीज के लिए आप मेरे को एक बार अपनी ऑर्डर कॉपी दिखाइएगा व्हाट्सएप पर, आप मेरे से कॉल पर बात कीजिएगा, मैं वहां पर देखना चाहूंगा कि स्टेटस क्यों आप बता रहे हैं कि डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, तो वहां पर डिफेंडेंट को बाउंड किया जा रहा है। तो एक बार आप मुझे अपनी ऑर्डर कॉपी दिखाइएगा, मैं देखकर आपको क्लियर कर दूंगा, परेशान बिल्कुल भी मत हो। तो चलिए अब हम कल फिर से मुलाकात करेंगे अपने एक और नए सेशन।